हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हिमाचली ब्लॉगर पूजा। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं खेतों से। तो हाँ, ये नहीं बोल सकती हरे भरे खेत, क्योंकि जौ जो है वो पक चुके हैं। बहुत ज़्यादा पके भी नहीं है, कुछ कुछ हरे भी हैं। तो यहाँ पे मैं खेत में फ़िलहाल अकेली लगी हूँ, क्योंकि मम्मी चले गए थे घर, क्योंकि उनको ये शाम के 4-4:30 बजे का टाइम है और उनको गाय दूनी होती है इस टाइम पर। फिर उनको गाय को बाहर भी बांधना होता है, तो मैं यहाँ पर जौ काट रही हूँ। और कल एक नेगी जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि थैंक यू, आपने जौ काटना सिखाया या क्या कुछ भी है। तो वो मुझे पता है कि पॉजिटिव उसमें नहीं लिखा था उन्होंने, बहुत ही टॉन्ट मारते हुए लिखा था। तो ये उनके लिए है जिनको देखना पसंद है, उनके लिए नहीं है जिनको नहीं है। तो हाँ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप ऐसे कमेंट करते तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जौ के बीच में ये जो हरी सी घास में निकाल रही हूँ ना, ये बहुत ही लिपटी सी होती है इनमें, जौ में। तो इसको पहले निकाल लो तो ज़्यादा सही रहता है। आई थिंक जो किसान लोग हैं जो काम कर रहे हैं आजकल, हिमाचली हैं या हिमाचल से बाहर है, वो समझ सकते हैं। हमारे यहाँ पर ये घास उग जाती है बीच में, इसको दरोड़ा बोलते हैं वैसे। तो इसके आगे जो आप देखोगे ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो स्किप मत करना। तो मुझे लग रहा है कि मुझे व्लॉग करना छोड़ देना चाहिए अब, क्योंकि आप देख लेना आगे, आगे देखोगे तो पता चलेगा। तो मुझसे अच्छा व्लॉग शायद कोई और करेगा अभी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ओह, तो फिर हाय गाइस, ये मेरी मम्मा काट रही है, ये मेरी मम्मा काट रही है घास। और ये देखिए, ये घास है। और देखिए, इन्होंने पहनी अपनी स्टेपल चप्पल। देखिए, और मेरे पास स्टेपल चप्पल। देखिए, मनन के पास सुपर डुपर है। और ये बना, और ये मम्मा ने, और ये मम्मा ने पहनी अपनी अच्छी सी ड्रेस। और देखिए कैसे कैसे काट रहे हैं, ये रे पूरी घास देखिए। आपको बाद में कंबल कीड़े दिखाएंगे। मेरा नाम आदित्य, मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ। और मैं मनन हूँ। मनन कैमरे से हट नहीं तो मम्मा डांटेगी मुझे। मुझे भी करना है। और ये है घास, ये कटी हुई। अरे भैया, बाद में मुझे भी करना है। और देखो, तीन तीन पेड़। बाद में मुझे भी करना है। पता है मुझे। और एक पेड़ है यहाँ पे। अब कैमरा से हाथ हटा दो आगे। और ये रही इनके हाथ, और ये रही इनके हाथ का चांटा। कब मारा मैंने चांटा? आपने? हाँ। मतलब बोल रहा हूँ, ये आपके हाथ का एक भारी सा मुक्का। ये मेरी मम्मा का भारी सा मुक्का। चांटा। और देखो, ये तीन तीन पेड़। देखो, ये कटी हुई है घास। देखिए, यहाँ पे एक और पेड़ है। और छोटे दादा भी है। छोटे दादा नहीं, ओहो। मम्मा, अभी मुझे और करना है। जब दोबारा करना होगा फिर दे दूंगी, दोबारा से बंद कर। और ये देखो, इनके पास है डराट। इनके पास है डराटी और ये काट रहे घास को। देखो, बाद में मुझे भी बनानी है, पता है। यहाँ पे इतने पेड़ है भाई कि पूरा जंगल भी पेड़ से ही करना भाई, लाइक करना और शेयर करना। अच्छा, और आप मुझे करना। बोलो पहले मुंह से, आपकी तो मैं वीडियो बना रही हूँ, बोलो। पीछे गिर जाएगा खेत में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे जाना है मार्केट, तो
मास्क मार्केट में मिल नहीं रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी एक ही मास्क दिया है तो पापा के पास है, तो हम बनाएंगे मास्क। और मुझे किसी ने बताया, ये भी बोला था कि आपने जैसे दुपट्टा बांधा था वो हमें बताना, तो आपको ऐसे लेना है दुपट्टा और इसको एक साइड को लंबा रखना है, एक साइड को छोटा रखना है और ऐसे बांधना है। उसके बाद अपने दुपट्टे को ऐसे लेना है, ऐसे बांधना है यहाँ से और ऐसे बांध दिया पिछों को। लो ये बन गया आपका मास्क भी, और जो गर्म जगह में रहता है उनका मुंह भी ढक जाएगा, पर खैर हम यहाँ पे गर्म जगह में नहीं रहते हैं। मेरे से ना ज्यादा देर मास्क बांध के, मतलब मुंह पे दुपट्टा बांध के रखा नहीं जाता, पर जरूरी है। तो चलो मार्केट जाते हैं, थोड़ी सी आपको भी दिखा दूंगी मार्केट यहाँ की खुली होगी तो। तो ये रही हमारे यहाँ की लोकल मार्केट, ये मम्मी आगे आगे चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा कैप्चर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो दुकानें वो बंद है क्योंकि टाइम है दुकानों का खुलने का, पहले 11 बजे तक था, अभी 12 बजे तक है। और ये सामने की तरफ देख सकते हो आप गांव और पहाड़ियाँ, तो ये है यहाँ की मार्केट। आगे थोड़ी सी दो तीन दुकानें जो खुली होंगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये देखो कब से लेके जो बसें हैं, गाड़ियाँ, स्कूल बसेस सारी यहीं पर खड़ी हुई है क्योंकि अब चल नहीं रही है तो बस यहीं खड़ी हुई है। तो ये यहाँ पे कुछ दो एक दो दुकानें खुली है, तो बस यहीं से हम सामान जो थोड़ा बहुत हमें लेना है वो हम ले लेंगे। ज़्यादा कुछ हमें लेना नहीं था, वैसे तो मेन आटे के लिए ही आए थे, बट बच्चों के लिए खाने पीने का सामान वो ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो हम यहाँ से ले लेंगे। और अब हम चल दिए हैं यहाँ से वापस। ये नीचे की तरफ स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ती थी 5th तक, जो थोड़ा सा ग्राउंड सा दिखाई दिया था आपको। और ये पीछे की तरफ की मार्केट है दूसरी तरफ को, ये नहीं दिखाया था। और मौसम काफी अच्छा हो रहा है। आटा चक्की है, अच्छा। वैसे तो हमारे यहाँ पे घराट भी होते हैं बट हमने चक्की में ही दिया है क्योंकि घराट हमारा बहुत दूर है। और ये देखो यहाँ पे चील ही चील के पेड़ हैं, ये सामने वाली पहाड़ियाँ नजर आ रही है और मार्केट उस तरफ को है, आपने देख ही लिए। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ अभी मार्केट में चक्की के पास। आटा हमारा वैसे ये देखो यहाँ पे रख दिया है बट हमने इसमें और डलवाना है, लेकिन जिनकी चक्की है ना वो अपने घर गए हैं और उनका घर ये रहा ऊपर, ये हमारे रिश्तेदारी है, ये मेरी बड़ी मामी के भाई है, जो मेरी बड़ी मामी है उनके ब्रदर है ये छोटे, उनकी है यहाँ पे चक्की। तो मम्मी गए अभी शैम्पू लाना भूल गए थे, शैम्पू की बॉटल लाने गए हैं, यहीं साथ में ही ये जो नीला सा मकान दिख रहा है इसमें ही है दुकान, तो वहाँ गए। और आते हुए ना मैंने कोई वीडियो कैप्चर नहीं की क्योंकि मेरे सिर पे आटे की बोरी थी, मतलब कणक की, गेहूं की, साबुत जो था वो पीसने के लिए लाए थे यहाँ पे। जितनी देर में हम वहाँ से दूसरी वाली मार्केट से सामान वगैरह लेके आए हैं उतनी देर में इन्होंने डाल दिया है आटा, बस अभी आ रहे हैं तो ले लेते, फिर रस्ते में मिलती हूँ आपसे मैं। तो यहाँ पे हम अपने घर से थोड़ा सा दूर है, यहाँ को सेज रखी हुई है, गोबर की खाद जो होती है वो, और क्योंकि यहाँ पे नीचे लोगों का गाय बांधने वाला भी है और घर भी है, तो ऐसी सड़कें होती है हमारे गांव की, सड़कें आपको दिखाती हूँ। और ये सामने की तरफ गांव है, ये लोगों की घर है। आप लोगों को अच्छा लगता है आसपास का जो व्यू है मेरे घर के वो देखना, इसलिए मैंने कैप्चर किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जंगल में भी फूल लगे हैं, आई थिंक ये कुज्जू के फूल है, कुज्जू का पेड़ होता है, मतलब मुझे पता नहीं है, अगर गलत बोल रही हूँ तो आप बता सकते हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। या कैंथ होता है, कैंथ, उसमें भी फूल लगते हैं इसी तरीके के, पर ये कुज्जू है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। तो देखो फूलों में भी कांटे उगते हैं ना, तो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं भले ही उसके पेड़ों में कांटे हैं। तो ये देखिए ये नीचे वो जो थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है ना पानी वाला जो एरिया है नीचे, ये है वो जहाँ पर हम पानी के लिए आते हैं, बावड़ी जो है हमारी वो। और ये सामने की तरफ है हमारा गांव जो थोड़ा दूर से कुछ ऐसा दिखता है, और ऊपर की तरफ ये अलग गांव है। और ये रहा जंगल हमारे घर के पास, और ये यहाँ पे हीर जो है वो पक गए हैं। तो ये देखो
काफ़ी ज़्यादा पक गए। मैं आदित को भी लेके आऊँगी खाने के लिए। फ़िलहाल मैं आदित को लेके नहीं गई थी तो मैं ही खा रही हूँ। बहुत टेस्टी होते हैं ये, ऐसे ही खा लो तो और थोड़े से टेंगी सा टेस्ट होता है, मतलब खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है। बट अगर घर लेके जाओ थोड़ा सा नमक मिर्च मिलाओ ना इसमें, नमक पीसा हुआ जो होता है मिर्च डाल के, उसके साथ खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे व्लॉग एडिट करते करते भी मुँह में पानी आ रहा था, बहुत टेस्टी होते हैं ये। हेलो जी, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। आज मैंने दिन में मार्केट से आने के बाद कोई भी व्लॉग कैप्चर नहीं किया क्योंकि आज हम गए थे धान काटने के लिए, यार धान जौ काटने के लिए। तो वो रहा खेत, देख सकते हो आप, बस इतने से बचे हैं, बाकी हमने पूरा ख़त्म कर दिया। मैंने सोचा था आज वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, वही काटे। और ये देखो यहाँ पे आधे तो खैर अभी खेत में ही पड़े हुए हैं, ऐसे बिछा के बिखेर के रख देते हैं बांध के, पर आधे हमने ये देखो अपनी ये जो बाउंड्री है ना घर की, ये देखो इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक गेट तक पूरा भर दिया। बस अब ये सूखती रहेगी यहीं पे, और फिर जब भी हमें ये निकालने होंगे जो इनको उठाएंगे यहीं से, तब तक ये इनको धूप भी लगती रहेगी, बारिश भी हो जाएगी तो बदलने के लिए आसान रहेंगे। और ये शाम के 7:15 बजे का टाइम है, अभी भी पक्षी ची ची चहा ही रहे, बट मौसम ऐसा है, अभी मौसम ख़राब है। वैसे आपको साफ दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है आसमान, बट साफ नहीं है, बादल है। ये देखो ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, तो चलो मैं अपने हाथ वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि जौ के जो वो होते हैं ना सिले, वो बहुत चुभते हैं। किसी ने बोला जौ और गेहूँ एक ही होती है, नहीं, जौ और गेहूँ में बहुत फर्क होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि जौ और कनक में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं, और बच्चे जब रहते ही नहीं है यहाँ पे तो इनको कैसे कैप्चर करूँ मैं, आप ही बताओ। ये देखो खेलने में या फिर पढ़ने में, ये तो मेरी बहुत आदो, ये टूट जाएगी बेटा, दे दे दो दे दो। ये खेत में काम, जब खेत में जाना होता है ना काम करने, तो पानी ले जाने के काम आती है, दो बॉटल दो इधर। गुड मॉर्निंग भाइयों और बहनों, तो अभी सुबह का टाइम हो गया है, पर एक्चुअली क्या हुआ कि कल शाम को मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग एंड करूँगी, बट फिर थोड़ा सा व्यस्त कामों में भी और कुछ ऐसी बातें कानों में पड़ती हैं तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आजकल मैंने सुना हम भी चर्चा का विषय बने हुए हैं कहीं ना कहीं, तो बस वही था। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, सुबह जब मूड फ्रेश होगा तो ही व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने पोस्ट डाली है उस पर कम्युनिटी पे अपनी, तो आप जो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप उसमें पूछ सकते हो, फिर मैं उस पर एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। आपके क्वेश्चंस जो भी है, कुछ भी दिक्कत है मेरे से, कोई परेशानी है, वो आप उसमें कर सकते हो। पीठ पीछे बातें करने से अच्छा है कि आप वहां पे पूछ लो, जो भी पूछना है मैं सामने जवाब दूंगी आपको, मुंह के सामने जवाब दूंगी। चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो
सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर कर देना। हाथ मेरे इसलिए अभी ऐसे काले हो रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज बन रहा है, ये देखो कद्दू कटा हुआ है यहाँ पे, कद्दू कटेगा तो सब बटेगा, कद्दू कटा हुआ है, कद्दू बनेगा आज। तो मैं बनाऊंगी नमकीन बना रही हूँ, मैं सोचा खट्टा मीठा बनाऊंगी पर पापा को पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ नमक वाला बना रही हूँ। तो आज मैं इसकी रेसिपी वगैरह कुछ शेयर नहीं करने वाली हूँ आपसे, तो बस यही बात थी। तो बताना वो क्वेश्चन उसमें कम्युनिटी मैंने पोस्ट डाला है, कुछ भी पूछ सकते हो आप, कुछ भी जो भी पूछना है, मतलब हाँ ऐसे कोई वाहियात सवाल मत पूछना, पर जिनका कोई मतलब हो, जिनका कोई अर्थ हो, वही सवाल पूछ सकते हो आप। तो चलो फिर बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सेफ रहो और हाथ ऐसे काले मत करो।